नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विमानन क्षेत्र ने भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी एशिया प्रशांत सदस्य देशों द्वारा दिल्ली घोषणा को अपनाने की घोषणा की गई। हरियाणा में एक ही चरण में विधानसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के लिए नामांकन कार्य आज शाम समाप्त। मौसम विभाग ने कम दबाव के क्षेत्र के उत्तर की ओर बढ़ने के कारण अगले दो दिन में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। राजस्थान में तेज वर्षा से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी का आज नई दिल्ली में निधन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। दिन के कारोबार के दौरान 83,000 के उच्चतम स्तर को पार किया। चीन में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराया।